कलरफुल ड्रेसेस को देखकर कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि यहाँ कोई फैशन शो होने वाला है? नाना, ये कोई फैशन शो की तैयारी नहीं, बल्कि बुंदेली संस्कृति को सहेजने के साथ मध्य प्रदेश की धरती पर होम स्टे को बढ़ावा देने की एक सार्थक पहल है। एमपी टूरिज्म की पहल पर गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज की छात्राओं ने मध्य प्रदेश के पारंपरिक नृत्यों की ड्रेसेस को एक नया लुक देने की पहल की है। टूरिज्म है वो विलेज टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए उसको होम स्टेज बना रहे हैं। अब एमपी में बहुत सारी प्लेसेस में, मतलब मोर देन 50 प्लेसेस हैं ऐसा उन्होंने बताया, तो उनमें बना रहे हैं। तो उन्होंने एमपी को अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड किया और उनका ये कहना था कि आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, आपके पास टीम है, तो आप रिसर्च करें और वहाँ का जो एक्चुअल कॉस्ट्यूम होता है उसको इस फॉर्म में लेके आएँ कि हम जहाँ होम स्टे बना रहे हैं वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग लोग हैं वो उसे पहने और जो उनका प्रेजेंटेशन हो वो टूरिस्ट के सामने बहुत ही प्रेजेंटेबल होना चाहिए। तो आप इस तरह से बनाएं कि कॉस्ट इफेक्टिव भी हो और उनके लिए उनकी संस्कृति के अनुसार भी हो। इन ड्रेसेस को तैयार करने के लिए गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स की टीम ने मिलकर बुंदेलखंड के कल्चर और डांस फॉर्म्स पर करीब एक साल तक रिसर्च की, जिसका परिणाम आपके सामने है। कोई फॉरेनर्स भी आते हैं या होम स्टे में कल को जाके जो हमारे गेस्ट रुकेंगे वो जब इन डांस फॉर्म को इन अटायर्स में देखेंगे तो वो एक बहुत ही प्रेजेंटफुल एक्सपीरियंस रहेगा सभी के लिए। खजुराहो और ओरछा में विलेज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बुंदेलखंड के पारंपरिक नृत्य राई, बधाई और नोरता की लो कॉस्ट ड्रेसेस और ज्वेलरी इस टीम ने डिजाइन की है। वहाँ राई डांस होता है, वहाँ बरेदी होता है, ज्वारा डांस होता है, नौरता होता है, तो उन डांस में लोग क्या पहनते हैं, क्या गाते हैं, ये सारा कुछ हमने जो है डॉक्यूमेंटेशन किया है। इस पहल के तहत जो भी कपड़े बनाए जाएंगे वे सभी एमपी टूरिज्म की ओर से बनाए गए होम स्टे में रखे जाएंगे, जहाँ कलाकार राई, नौरता या बधाई जैसी सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ देने के दौरान इन्हें पहन सकेंगे। इसके अलावा इन होम स्टे में रुकने वाले टूरिस्ट भी इन पारंपरिक ड्रेसेस को रेंट आउट करके इनका उपयोग कर सकेंगे। पारंपरिक गिलट की ज्वेलरी की जगह पर कौड़ी, सिक्कों, टसल्स और पॉम्पॉम को फैब्रिक के साथ अटैच करके लाइट वेट ज्वेलरी भी बनाई गई है, जो पारंपरिक ज्वेलरी की तुलना में काफी आकर्षक है। तो इस बार आप भी जब वैकेशन ट्रिप प्लान करें तो एमपी टूरिज्म के इन हॉलिडे होम्स का रुख करें और इन ड्रेसेस के साथ अपनी कला और परंपरा को भी जरूर आत्मसात करें। इस तरह आप भी बुंदेली संस्कृति को सहेजने में बड़ा योगदान दे सकते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें।